मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी जोन पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है भ्रमर गीत सार की व्याख्या को देखेंगे। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि व्याख्या की श्रृंखला हमने चला रखी थी और इस कड़ी में कबीर के पदों की व्याख्या जो है हम लोग कर रहे थे। आज हम लोग भ्रमर गीत सार के महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या को देखेंगे। इस पर मैंने कुछ वीडियोज पहले भी बना रखे हैं, इसलिए उससे आगे की जो वीडियो है उस पर आज हम लोग शुरू करते हैं। हमारे हरी हारिल की लकड़ी मन बच क्रम दंड निरंजन सो पूरी यह दृढ़ करी पकड़ी। जैसा कि हम जानते हैं कि उद्धव जो थे गर्व ज्ञान के प्रतीक थे। उद्धव जो है श्री कृष्ण का संदेश लेकर जो है किसके पास आते हैं, गोपियों के पास, और वो श्री कृष्ण का संदेश देने के साथ ही साथ उनको क्या करते हैं, योग और ज्ञान की शिक्षा भी देते हैं। और इसी क्रम में जो है उनका गोपियों से संवाद होता है। वही संवाद, उसी संवाद के क्रम में गोपियां कह रही हैं उद्धव से कि हमारे जो हरि हैं, हमारे श्री कृष्ण है, वो हारिल की लकड़ी के समान है। यह लोकोक्ति है, जिस प्रकार से जो हारिल पक्षी है वो अपने पंजों में हमेशा एक लकड़ी पकड़े रहती है और जब भी बैठती है वो उस लकड़ी पर ही बैठती है। उसका ऐसा दृढ़ विश्वास है कि अगर वह लकड़ी छोड़कर कहीं और बैठेगी तो क्या होगा कि मर जाएगी, उसका जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा। तो गोपियां कह रही हैं कि हमारे प्रभु जो हैं, हमारे श्री कृष्ण जो हैं, वो क्या हैं, हारिल के जो पक्षी है उसके लकड़ी के समान है। यानी कि जिस प्रकार से हारिल जो है लकड़ी को अपने चंगुल में हमेशा फंसाए रहता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण जो है हमारे मन में हमेशा बसे हुए हैं। मन बच क्रम नंदनंदन सो पूरी यह दृढ़ करी पकड़ी। मन वचन और क्रम से नंदनंदन अर्थात श्री कृष्ण को हमने मन क्रम और वचन से क्या है कि अपने हृदय में उसे पकड़कर दृढ़ता पूर्वक हमने उन्हें पकड़ लिया है। और इसका परिणाम क्या होता है, जागत सोवत सपने सौतुक कान कान जकरी। और इसका परिणाम यह है कि जागते हुए सोते हुए यहाँ तक कि सपने में भी क्या है कि हम लोग कान कान कान्हा कान्हा श्री कृष्ण से श्री कृष्ण के नाम की रट लगाए रखती हैं। जकरी मतलब रट लगाए रखती हैं। सुनत ही जोग लागत ऐसे अली ज्यो करुई ककरी। और तुम जो योग की बात हमें कह रहे हो, योग जो सिखा रहे हो हमें, यह सुनते ही ऐसा लगता है मानो कोई कड़वी ककड़ी हमें हमने खा ली है। योग जो है हमारे लिए उस कड़वी ककड़ी के समान है जिसे खाने से जो है क्या होता है, मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। सोई व्याधि हमें ले आई देख सुनी न करी। तुम जो हो हमें क्या है कि वैसी बीमारी के बारे में बतला रहे हो जिसे न तो देखा। यहाँ व्याधि किसे कहा गया है, व्याधि का संबोधन जो है निर्गुण ब्रह्म से यहाँ किया गया है। ब्रह्म को निर्गुण ब्रह्म जिसकी बात बार बार जो उद्धव कर रहे थे उसे यहाँ व्याधि बीमारी कहा गया है। तुम ऐसी बीमारी के बारे में हमसे बात कर रहे हो, हमें बेचना चाहते हो, हमें देना चाहते हो जिसे आज तक न तो किसी ने देखा है न सुना है न जिसका अनुकरण करने योग्य है। यह तो सूर तिन्हें ले दीजिए जिनके मन चकरी। अंत में सूरदास के शब्दों में गोपियां कहती हैं कि यह तो उन व्यक्तियों उन महिलाओं को उन व्यक्तियों को दो, यह जो ज्ञान का जो है निर्गुण का जो ज्ञान है यह उन व्यक्तियों को दो जिनका मन जो है चक्री के समान है, चक्कर के समान है। यानी कि जिनका मन क्या है एक जगह कहीं स्थिर नहीं रहता है। हमारा मन तो क्या है प्रभु में, प्रभु श्री कृष्ण में स्थिर हो चुका है, इसलिए हमारा हमें इस योग की इस साधना की इस मन को साधने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें विशेष में हम देखेंगे कि जो चौथी पंक्ति है, चौथी पंक्ति में हम क्या देखते हैं, इसमें उपमा अलंकार है। ज्यो करुई ककरी के कारण इसमें उपमा अलंकार है। और योग को योग न मानकर उसको क्या कहा गया है कि रोग के समान बताया गया है, इसलिए क्या है इसमें अपनहूति अलंकार है। हमरे हरी हारे की लकड़ी इसमें लोकोक्ति का सुंदर प्रयोग हुआ है, साथ ही साथ क्या है शुद्धा सारोपा लक्षणा का प्रयोग किया गया है। शुद्धा सारोपा लक्षणा लक्षणा आगे हम लोग देखते हैं। फिर कहा सिखावत मौन दुसह वचन अली यो लागत उर्ज्यो जा रहे पर लौन। गोपियां जो हैं फिर से उद्धव से कह रही हैं, या गोपियों का कथन जो है उद्धव के प्रति है कि तुम बार बार हमें मौन धारण करना क्यों सिखा रहे हो। मौन का मतलब योग साधना, योग साधना में एक स्टेज है, स्टेप है मौन, कि तुम बार बार हमें जो है मौन की साधना करने का ज्ञान क्यों दे रहे हो।
दूसरा वचन अति यो लागत, तुम्हारा यह जो वचन है, जो योग का ज्ञान जो तुम हमें दे रहे हो, श्री कृष्ण को बुलाने की बात कर रहे हो, तो क्या है, दूसरा वचन अति यो लागत, तुम्हारा यह वचन जो है वह दुसह है, मतलब जिसे हम सह नहीं सकती हैं, और यह ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने हमारे जले पर नमक छिड़क दिया हो। सिंगी भस्म त्वचा मृग मुद्रा अरु अवरोधन पौन। सिंगी, सिंग का बना हुआ, पहले बाजा हुआ करता था एक बहुत बड़ा, शादी ब्याह के अवसर पर उसको बजा, शादी ब्याह के अवसर पर भी संभवतः उसको बजाया जाता था सिंगी। और भस्म त्वचा मृग और मुद्रा, मुद्रा क्या है कि स्फटिक का बना हुआ कुंडल हुआ करता था। ये मतलब कि जो योगियों की जो वेशभूषा है उसके विषय में यह बात कह रहे हैं ये लोग, योगियों की जो वेशभूषा है उसी की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। कि सिंगी भस्म त्वचा मृग मुद्रा अरु अवरोधन कौन, हम अबला अहिर सठ मधुकर घर बन जाने कौन। गोपियां कह रही हैं कि यह जो योगियों के लिए जो योग्य ये सब वस्तुएं हैं, ठीक है, ऐसी अवस्था में तुम हमें क्यों डालना चाहते हो, जो ये सब धारण करके हमें प्राणायाम करने का उद्देश्य जो है वो हमें क्यों दे रहे हो, हम तो क्या हैं, हम अबला हैं, अबला स्त्रियां हैं, और हमारे लिए यह सब श्रेयस्कर नहीं है, अबला अहिर स्त्रियां हैं, हे मूर्ख भौड़े, हम क्या हैं, अबला स्त्रियां हैं, और हमारे हमारे भीतर जो है घर बन जाने कौन, या और हमारे अंदर हमारे भीतर जो है घर और बन की सूक्ष्म अंतर को समझने की क्षमता नहीं है। ये जो घर और वन का जो तुम हमें अंतर समझा रहे हो, हम ये समझने के योग्य नहीं है। तुम जो यह हमें समझा रहे हो, यह मत लय तिन्ही उपदेशो, आगे गोपियां क्या कर रही है कि यह जो मत तुम हमें समझा रहे हो कि इसको क्या करो, जिन्हें आज सब सुहत, यह जो मत हमें समझा रहे हो यह उन्हीं को जाकर सिखा दो जिन्हें आज सब कुछ यह शोभा देता है। सूर आज लो सुनी न देखी पोत सूतरी पुहक। सूरदास के शब्दों में गोपियां क्या कह रही हैं कि हमने आज तक नहीं देखा है कि पतले डोरे में जो है माला की छोटी छोटी, सॉरी मोटे डोरे में माला की छोटी छोटी पुरियों को, मनकों को गूंथा जा रहा हो, यानी रस्से में मनकों को नहीं गूंथा जाता है, पतले डोरे में ही मनकों को, मोतियों की माला बन सकती है, उनको पिरोया जाता है, मोतियों को माला तभी बनती है, मोटी सुतली में जो है माला को नहीं गूंथा जा सकता है। इसीलिए ठीक उसी प्रकार जो है तुम्हारा योग का यह जो ज्ञान है, या जो सिंगी भस्म त्वचा मृग इत्यादि की धारण करने की जो बात कर रहे हो, यह जो है हमें शोभा नहीं देता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग विशेष में क्या देखते हैं कि उर्ज्यो जारे पर लौन, इसमें क्या है, उपमा अलंकार के साथ साथ क्या है, इसमें लोक प्रचलित मुहावरा है, मुहावरे का प्रयोग किया गया है। एक और इसमें जो है, यह मत लय तिन्ही उपदेशो जिन्हें आज सब सुहत। यह मत जो है यानी कि तुम जो निर्गुण का जो हमें ज्ञान दे रहे हो, यह ज्ञान इसमें जो है यहाँ दो अर्थ निकलता है। पहला तो है कि यह उन्हीं को जाकर समझाओ जो सामर्थ्यवान है, क्योंकि सामर्थ्यवान के लिए क्या है, सामर्थ्यवान पर सब कुछ शोभा देता है। और दूसरा, यह जो मत है वह विलासिनी लोगों के लिए ही है, तो विलासिनी लोगों को जाकर समझाओ। और विलासिनी आजकल कौन थी, तो कुब्जा थी, तो कुब्जा के लिए ही यह योग साधना जो है क्या है, सही प्रतीत होती है, हम कमजोर अबला अहिर स्त्रियों पर नहीं। आगे हम लोग देखते हैं, निरखत अंक श्याम सुंदर के बार बार लावती छाती, लोचन जल कागज मिसी मिली के वह गई श्याम श्याम की पाती। यह जो पद है, इस पद की आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काफी प्रशंसा की है और इसका कई बार उल्लेख किया है, यह एक महत्वपूर्ण पद है। श्री कृष्ण ने कुछ चिट्ठी पत्र लिख कर दिया था उद्धव को, उद्धव ने उसे गोपियों को दिया, और गोपियों ने उस पत्र को देखा तो जो प्रतिक्रिया हुई उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। निरखत अंक, अंक मतलब क्या, अक्षर, निरखत मतलब देखकर, श्याम सुंदर श्री कृष्ण, श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पत्र को देखकर, उस पत्र को जो है गोपियां बार बार अपने सीने से लगाती हैं, उस पत्र को है क्या करती हैं, बार बार हृदयंगम करती हैं, क्योंकि श्री कृष्ण उन्हें अत्यंत प्रिय हैं, उसे अपने सीने से बार बार लगाती हैं। और उस पत्र को देखकर क्या होता है कि उनके, गोपियों के आंखों से अश्रु की धारा, लोचन जल मतलब अश्रु, कागज और मसी, मिसी या मसी होगा,
उनके आंखों से यह पत्र देखकर आंसू निकल जाते हैं और इसका परिणाम यह होता है कि जो कागज पर लिखा होता है स्याही से वह सब कुछ जो है मिल जाता है, और मिल जाने के बाद क्या होता है कि उसका रंग भी सांवला हो जाता है, श्याम के समान हो जाता है। आंसू जो है जो कागज पर लिखे हुए अक्षर थे उनमें मिल गए और पूरा का पूरा कागज जो है श्याम के समान हो गया। और श्याम श्याम की पाती, जो श्याम यानी श्री कृष्ण की जो पाती थी, श्री कृष्ण ने जो पत्र भेजा था वह उन्हीं के समान हो गई, यानी कि श्याम रंग की हो गई। इसका दूसरा अर्थ यह हो सकता है कि उसमें जो अक्षर लिखे थे वो है श्री कृष्ण के ही समान उन्हें प्रतीत होने लगे। गोकुल बसत संग गिरिधर के कबहू बयारी लगी नहीं ताती। गोपियां कह रही हैं कि जब गिरिधर अर्थात श्री कृष्ण जो उनके साथ जो हैं गोकुल में बसते थे तो क्या होता था, कबहू बयारी लगी नहीं ताती, कभी भी उनके जीवन में यानी गोपिकाओं के जीवन में कभी भी कोई कठिनाई जो है क्या हुआ नहीं आई। बयार लगी नहीं ताती क्या है, ये मुहावरा जैसा है, कभी भी गर्म हवा नहीं लगी, कभी कष्ट नहीं हुआ। तब की कथा कहा को उद्धव जब हम वेणुनाद सुनी जाती। वेणुनाद मतलब मुरली की धुन, बंसी की धुन। कह रहे हैं उद्धव से गोपियां कि तब की कथा कहा कहो उद्धव, तब की बात हम क्या बताएं तुमको उद्धव, जब हम जो है श्री कृष्ण की मधुर ध्वनि जो है उनके बांसुरी की मधुर ध्वनि को सुनते थे और दिन रात उसका क्या करते थे कि रसमान करते थे। हरि के लाड़ गणती नहीं काहू, निश दिन सुदिन रास रस माती। और हरि के लाड़ यानी प्रभु के प्रेम में हम लोग कभी किसी की गिनती ही नहीं करते थे, यानी जब हमारे साथ वो थे तो हम प्रभु के प्रेम में डूबे रहते थे और अन्यत्र जो है किसी के लिए कोई गिनती ही नहीं करते थे, किसी को मानते ही नहीं थे। और क्या थी हमारी स्थिति, निशिदिन सुदिन राम रास रस माती, प्रतिदिन दिन रात जो हम लोग रास के रस में डूबी रहती थी। प्राणनाथ तुम कबधव मिलोगे, सूरदास प्रभु बाल संघाते। अंत में जो है सूरदास के शब्दों में गोपियां कह रही हैं कि हे प्राणनाथ, हे श्री कृष्ण, गोपियों को संबोधित, गोपियां जो है श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि तुम कब तक मिलोगे हे बाल सखा, अब तुम्हारी बहुत याद आती है, अब तुम्हारा जो है दर्शन कब होगा। इसमें विशेष में क्या है कि बार बार शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ पहली पंक्ति में, तो बार बार के कारण पुनरुक्ति प्रकाश है। श्याम श्याम में यमक अलंकार है, कैसे, तो एक श्याम रंग के लिए है, दूसरा श्याम जो है श्री कृष्ण के लिए है। अंक में जो है श्लेष अलंकार है, एक शब्द एक बार प्रयोग हुआ है लेकिन उसका एक से अधिक अर्थ हो तो क्या होता है श्लेष अलंकार होता है। अंक में श्लेष अलंकार कैसे है, तो अंक का एक अर्थ हुआ अक्षर, अंक का एक अर्थ हुआ गोद, यहाँ गोद से भी तात्पर्य है। बार बार लावती छाती जो है इसमें क्या है, मुहावरे का सुंदर प्रयोग किया गया है। इसमें कई सारे संचारी भाव भी हैं, जैसे स्मृति का संचारी भाव है यानी अपनी पुराने बातें वो याद करती हैं, विषाद है, मोह है, इन सब संचारी भावों का जो है इसमें ये संचारी भाव जो है इस पद में है। अब अगला हम लोग देखते हैं, बिलग जनी मानव हमारी बात, डरपति वचन कठोर कहती कहती मति बिनु पति यों उठ जात। गोपियां जो है किससे, उद्धव से कह रही हैं, बिलग यानी कि बुरा, बिलग जनी मानो, मेरी हम सब की बातों का बुरा मत मानो, हम सब की बातों का बुरा मत मानो, क्योंकि हमने तुमसे बहुत कठोर बातें कह दी है लेकिन हम इसका तुमको इस कठोर बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना है। डरपति वचन कठोर कहती, और अब हम लोग तो तुमसे कोई भी, डरपति मतलब डरती है, तुमसे कोई भी कठोर वचन कहने में भी जो है कि हम लोग बहुत डरती हैं, क्यों, क्योंकि बिना सोचे समझे बात करने से क्या होता है मर्यादा भंग हो जाती है। इसमें है बिनु पतियों उठ जात, मति बिनु मतलब बिना बुद्धि के बिना विचारे, पतियों उठ जात मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी कहने से मर्यादा भंग हो जाती है। आगे कह रहे हैं, जो को कहत जरे अपने कछु फिरी पूछे कछु फिरी पाछे पछिता। जो को कहत जरे अपने यानी कि कोई जो है उसको हमने कुछ कह दिया और इस बात से वह बहुत बुरा मान गया, और उसके बाद क्या होता है, बुरा मानने के बाद जो है
यानी कि अपना जब जी जल रहा हो तो जी जलने के वक्त कोई अगर ऐसी स्थिति में जब किसी व्यक्ति का जी जल रहा हो और वह व्यक्ति जब कुछ कटु बात कर दे तो क्या होता है कि फिर वह अपनी ही बातों को लेकर बहुत ज्यादा पछताता है। तो इसलिए अब हम तुमसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहेंगी क्योंकि हमने तुमसे पहले ही बहुत कुछ कह दिया है। वे उद्धव को संबोधित करते हुए फिर से आगे संबोधित कर रही हैं और कह रही हैं, जो प्रसाद पावत पावत तुम उद्धव कृष्ण नाम लय खात। वो उद्धव को कह रही हैं कि हे उद्धव, इस बात में क्या कोई संदेह है कि तुम्हें जो यह प्रशंसा मिली है, जो तुम्हें यह प्रसिद्धि मिली है, वह किसके कारण है? वह निश्चित रूप से श्री कृष्ण के कारण है। तुम खुद ही जो है श्री कृष्ण को इसका श्रेय देते हो, तुम श्री कृष्ण के प्रति आस्था रखते हो, इसीलिए तुम सम्मानित हो। मनजु तिहारो हरि चरणन तर अचल रहत दिन रात। तुम्हारा भी मन तो श्री कृष्ण के चरणों में ही दिन रात अटल रहता है, अचल रहता है। तुम्हारा मन भी कहीं इधर उधर नहीं जाता है। सूर श्याम ते जोग अधिक केही आयत यह बात। अब सूरदास के शब्दों में कह रही हैं गोपियां, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि जो तुम्हारा मन दिन रात श्री कृष्ण के चरणों में अटल रहता है, वैसे व्यक्ति के मन में आखिर जो आश्चर्य की बात यह है कि तुम्हारे मन में यह योग की बात कैसे आ गई? तुम योग की महत्ता की चर्चा भला कैसे करने लगे? श्री कृष्ण से बढ़कर जो है तुम योगों को मानने लगे? तुम्हें तुमसे मतलब तुम ऐसी बातें या उल्टी गंगा क्यों बहाने लगे? इसका अर्थ यह हुआ। इसमें हम लोग विशेष में देखते हैं कि दूसरी और जो तीसरी पंक्ति है, पति उठ जात, वो व्याख्या के क्रम में भी मैंने बोला था, और जरे अपने, इसमें क्या है, मुहावरों का प्रयोग किया गया है और इसमें श्री कृष्ण की जो है महत्ता का वर्णन किया गया है। यानी कि श्री कृष्ण जो है उनके चरण में मन लगाना श्रेयस्कर है बजाय कि योग में अपना मन लगाने के, और इस प्रकार से श्री कृष्ण को श्रेष्ठ यहाँ पर बतलाया गया है। अगला पद हम लोग देखते हैं जो कि अंतिम होगा। रहु रे मधुकर मधुमतवारे, रहु रे मधुकर मधुमतवारे, कहाँ करो निर्गुण लय कर जीवहि कान हमारे। लोटत नीच पराग पंग में पचत नापु संहारे। बारंबार सरक मदिरा की अपरस कहाँ उघारे। रहु रे मधुकर मधुमतवारे। यहाँ पर जो है गोपिया मधुकर यानी भौरे को संबोधित करते हुए कह रही है कि हे भौरे जरा ठहर तो, हे वैसे भौरे जो मधु का प्यासा है, मधु का मतवाला है, हे ऐसे भौरे जरा ठहर तो, हम लोग तुम्हारी खैर लेते हैं। दरअसल जब उद्धव आए थे गोकुल, तो उनके साथ ही साथ एक भौरा ढूंढता हुआ आ गया था, और गोपियां जो है कई सारी बातें हैं पर जली कटी वाली बात जो है उस भौरे को ही संबोधित करके कह रही हैं। तो यहाँ भी वही प्रसंग है कि उस भौरे को देखकर वो कह रही है कि जरा ठहरो तो, मधु के मतवाले भौरे जरा ठहर, जरा चुप हो जा, तुमने बहुत ज्यादा बक बक कर लिया। कहाँ करो निर्गुण लय के हो जी वही कान हमारे। कह रही है कि कहाँ करो निर्गुण लय के हो, निर्गुण लेके हम लोग क्या करेंगे? निर्गुण यानी जिसमें कोई गुण ना हो, यहाँ गोपियों के अनुसार, जबकि निर्गुण का अर्थ है गुणाती। कह रहे हैं कि निर्गुण लेकर हम लोग क्या करेंगे जब कान हमारे यानी कान यानी श्री कृष्ण जो है, जब तक जब हमारे श्री कृष्ण स्वयं हैं, तो ऐसे में हम लोग निर्गुण लेकर भला क्या करेंगे, गुणहीन लेकर हम लोग क्या करेंगे? लोटत नीच पराग पंग में पचत ना कुसंहारे। वो कह रही है भौरे को कि हे नीच भौरे, तुम क्या हो, पराग के कीचड़ में हमेशा लोटते रहते हो और तुम स्वयं को क्या है संभाल नहीं पाते हो। शराबी लोग जैसे है, शराब पी के क्या है कीचड़ में उलट जाता है और अनाप शनाप बकता रहता है, और उसी प्रकार से जो है यह भौंरा भी जो है क्या है पराग के पंख में लिपटा हुआ है और अनाप शनाप बक रहा है और अपनी गिरती हुई मर्यादा को संभाल नहीं पा रहा है, बर्बाद हो रहा है। और बार आगे है, बारंबार सरक मदिरा की अपरस कहाँ उघारे। और तुम्हें जो है मदिरा की लत लग गई है, शराब की लत लग के कारण क्या हो गया है कि अपरस कहाँ उघारे, अपने जो है गुप्त बातों को भी तुम सब जगह प्रकट करते जा रहे हो, भला उससे क्या लाभ तुम्हें होने वाला है? आगे है, तुम जानत हमहू वैसी हैं जैसे कुसुम तिहारे। यहाँ पर जो है गोपियों ने काफी निर्मम व्यंग किया है,
उन्होंने कहा है भौरे को संबोधित करते हुए, अप्रत्यक्ष रूप से वो कह रहे हैं कि तुम जानत हम हूँ ऐसी हैं, किसको उद्धव को कह रही हैं कि तुमने हमें भी अपने कुसुम यानी तुमने हमें भी अपने ही फूल के समान समझ लिया है, जिस प्रकार से तुम्हारे जो फूल हैं वो क्या हैं, चरित्रहीन हैं, और हर भौरे को क्या करती हैं, इंटरटेन करती हैं, हर भौरे को वो आनंद प्रदान करती हैं, हर भौरा उनके पास आता है रस का पान करके चला जाता है, क्या तुमने भी हमें भी हमें हम स्त्रियों को हम गोपियों को वैसा ही समझ रखा है। इसका उद्धव के संदर्भ में अर्थ है कि जिस प्रकार से जहां से तुम आए हो वहां की स्त्रियां कैसी हैं, कि हर कार्य व्यक्ति को, उसको अगले अर्थ में भी है, अगला मैं पंक्ति में पढ़ ले, घड़ी पहर सबको बिनवावत जेतावत कार्य, यानी कि जहां की तुम्हारी स्त्रियां हैं वो हर व्यक्ति को जो है वो कुछ न कुछ समय के लिए आनंद प्रदान करती हैं, इस प्रकार से वो चरित्रहीन है, क्या तुमने भी हमें वैसा ही चरित्रहीन समझ लिया है। और इस प्रकार से वो कहना चाह रही कि हमारा भी एक बार मन लग गया श्री कृष्ण में तो उन्हीं में लगा रहेगा, कहीं नहीं जाएगा वो, तो है ना। एक उद्धव मन न भये दस बीस, एक पुतौ सु भयो श्याम संग को और आधे ईस। और भी है कि ये है, याद नहीं आ रहा पूरी तरह से, कि अब कसहू निकसत नहीं उद्धव तिरछे है जोड़े, उर्मे माखन चोर गड़े, अब कसहू निकसत नहीं उद्धव तिरछे है जोड़े। तो यहाँ पर बहुत ही करारा व्यंग गोपियों ने किया है कि जैसे तुम्हारी फूल चरित्रहीन है, हर भौरे को वो जो है आनंद प्रदान करती हैं, क्या तुमने हमें भी वैसा ही समझा है। घड़ी पहर सबको बिलमावत जेते आवत कार्य, कह रही हैं कि हर एक घड़ी के लिए वो सभी को आनंद प्रदान करती हैं, कौन वो फूल, और अप्रत्यक्ष रूप से वो तुम्हारे यहाँ की महिलाएं हर जो है घड़ी पहर जो है एक घड़ी के लिए सबको वो इंटरटेनमेंट प्रदान करती हैं, जो भी काला उनके पास आता है, और कार्य का अर्थ है कि जो भी भौरा उनके पास आता है उसको वो रसपान कराती हैं एक घड़ी के लिए। और इसको अगर उद्धव के संदर्भ में देखें तो यह कार्य का अर्थ है कि जो भी काला व्यक्ति तुम्हारे यहाँ जाता है, जैसे श्री कृष्ण, जैसे कि उद्धव, तो घड़ी भर के लिए जो है तुम लोग उनको क्या करती हो, आनंद प्रदान करती हो। अंत में है सुंदर श्याम को सर्वस और अप्यो होगा, अप्रयो नहीं और अप्यो, अब कापे हम ले ही उधारे उधारे। अंत में गोपियां कह रही हैं कि हमने जो है श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया है, अब जो है हम जिस ब्रह्म की तुम बात कर रहे हो, तो अब दूसरा मन उधार में किससे ले जो तुम्हारे ब्रह्म को भेंट करे, मतलब तुम्हारे ब्रह्म को देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। वही जो भी मैंने कहा था, मन न भय दस बीस, एक पुतौ सो गयो श्याम संग को और आधे ईस। तो व्याख्या के संदर्भ में जो है, मैंने व्याख्या को लेकर एक वीडियो ही बनाया था कि व्याख्या कैसे करें, तो आप उसे देख सकते हैं। तो अंतिम पंक्ति जो है इसको इसकी तुलना इस वाक्य से भी, इस पद के पद्यांश से भी कर सकते हैं, जो कि सूरदास ने ही लिखा हुआ है। इसमें गोपियां कह रही है कि एक ही मन था जो चला गया, अब हम तुम्हारे उस निर्गुण ब्रह्म को अर्पित क्या करें, इसलिए हमारे पास कुछ है ही नहीं, जो है सो श्री कृष्ण है, बस जो है सो वही है। तो अब इसमें हम लोग विशेष में देखते हैं कि श्री कृष्ण के प्रति जो है गोपियों की अटूट आस्था, अटूट प्रेम जो है उसका वर्णन इस पद में हुआ है। इस पद की एक और विशेषता है कि इसमें दो अर्थ निकलते हैं, एक भौरे के संदर्भ में और दूसरा जो है उद्धव के संदर्भ में। पहली पंक्ति में जो मधु शब्द का प्रयोग किया गया है वो बड़ा ही चमत्कारी है। दूसरा जो है इसमें और विशेषता कई सारे हैं, पूरे पद में जैसा कि मैंने कहा गया कि भौरे को शराबी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इस प्रकार से क्या हुआ, इसमें रूपक अलंकार हुआ। अंतिम ये जो है इसमें वचन भी जो है वाक वैदर्भ जो है वह जो है मिलता है, और वक्रता भी मिलती है, गोपियों की वाग विदग्धता और वक्रता के हमें दर्शन होते हैं। पूरी रचना में क्या है, अन्योक्ति अलंकार भी, अन्योक्ति क्या है, अप्रत्यक्ष को छोड़कर अप्रत्यक्ष को जब कहा जाए, ठीक है, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। अन्य जोर उक्ति, किसी और को कहा जाए, संबोधन एक को किया जा रहा है लेकिन उसके माध्यम से कहा किसी और को जा रहा है, तो वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। बिहारी लाल का एक बहुत फेमस अन्योक्ति वाला है दोहा, नहीं पराग नहीं मधुर, मधुर नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंधु आगे कौन हवाल। दरअसल वो भौरे को संबोधित नहीं कर रहे थे बल्कि सवाई राजा जैसे को संबोधित कर रहे थे, तो वहां अन्योक्ति जैसा अलंकार था। अन्योक्ति तो वह बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, दोहा है, वैसे ही इस पूरे पद में अन्योक्ति अलंकार भी विशेष में हमें नजर आता है।
तो इस प्रकार से आज हमने भ्रमर गीत सार के पांच पदों की व्याख्या को देखने का प्रयास किया। अब भ्रमर गीत सार और कबीर जो है इनकी व्याख्या की श्रृंखला को हम लोग जारी रखेंगे। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, इसने आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में जरूर कुछ मदद की होगी। आज बस इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।